नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत, आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। पॉलिटिकल पंचायत में आज बात बड़ौदा उपचुनाव की करेंगे और तैयारियों की करेंगे। तमाम राजनीतिक दलों की किस तरीके से तैयारियां हैं, किस तरीके से राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल को हराएंगे, कैसे उनके योद्धा दूसरे योद्धा को पछाड़ पाएंगे, इन्हीं तमाम चीजों पर, रणनीतियों पर आज होगी पंचायत। हम ये जानते हैं कि आपको किसी भी रिपोर्ट की इस वक्त जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ तस्वीरों की, आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ बयानों की। तो सबसे पहले कुमारी सैलजा का एक स्टेटमेंट आपको सुनवाते हैं। हम सभी एकजुट हो जाएं, आग्रह है आप सभी से, आजाद उम्मीदवारों से, कि आप अपने नामांकन वापस लें और कांग्रेस के साथ हम एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की लड़ाई लड़ें। जी हाँ, तो यहां कुमारी सैलजा ये कह रही हैं कि सारे निर्दलीय विधायक एक हो जाएं, कांग्रेस के साथ आ जाएं, ताकि भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएं। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या सबको साथ लाकर ही बीजेपी को हरा पाएंगे? एक निर्दलीय प्रत्याशी कपूर नरवाल, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया, कांग्रेस के बागी हैं वो। ये कहते थे कि हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चाहते थे कि उनको कांग्रेस की टिकट मिले, लेकिन उनका जो पिछला स्टेटमेंट था जिसमें वो ये कह रहे थे कि कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला नहीं चाहते थे और इस वजह से उनका टिकट कट गया। आज पंचायत की हम शुरुआत करते हैं, तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तारुफ करा देता हूं, उसके बाद चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। बजरंग दास जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से, बजरंग दास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रमनिक मान जी जुड़े हुए हैं, रमनिक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और संदीप गोयल जी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत संदीप जी आपका भी। सबसे पहला सवाल आज मैं बजरंग दास जी आपसे करना चाहता हूं, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि कुमारी सैलजा को ये कहना पड़ा कि सारे निर्दलीय एक हो जाइए, कांग्रेस के साथ आ जाइए, ताकि हम भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएं? क्या अकेले कांग्रेस में इतना दम नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा दे? संकेत जी, कांग्रेस पार्टी एकजुट है और एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। ये कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस का गढ़ है और एक तरफा कांग्रेस भारी बहुमत से बड़ौदा चुनाव को विजय प्राप्त करेगी। और मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, आज इतना भारी सरकार के प्रति किसान, कर्मचारी, मजदूर, आम जनता नाराज है। बजरंग दास जी, मैंने तो आपका ओपिनियन पूछा ही नहीं। मैंने तो ये कहा कि कुमारी सैलजा को आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो ये कह रही हैं कि सारे निर्दलीय एक हो जाइए, बीजेपी को हराने के लिए हमारे साथ आ जाइए। क्या कांग्रेस अकेले बीजेपी को नहीं हरा सकती अगर निर्दलीय अगर उतर भी जाए तो? मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, कांग्रेस एक तरफा अपने दम पर जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जीत की लड़ाई नहीं। तो बजरंग दास जी, आप ये मानते हैं कि कुमारी सैलजा को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था? अच्छी बात है ध्यान देना, ये तो सबका, देखो पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष हमारी बहन कुमारी सैलजा जी है, उनका फर्ज बनता है। आपको नहीं लगता कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा इससे? मनोबल गिरेगा इससे कि आप विधायकों से प्रार्थना कर रहे हैं, विधायकों से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप निर्दलीय, प्रत्याशियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हट जाइए, बीजेपी को हराने के लिए हमारे साथ आइए? ये एक बहुत अच्छी पहल है। हर एक आदमी से जो एक पार्टी चुनाव लड़ती है, कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, वो हर एक आदमी से वोट और सपोर्ट मांगता है। तो कांग्रेस पार्टी प्रदेशाध्यक्ष ने बहुत अच्छा बयान दिया है, वे सभी कांग्रेस पार्टी की जो कांग्रेस पार्टी है उसके अच्छा, साथ एक चीज और बता दीजिए, उसके बाद में बाकी दो खास मेहमान पे जाऊंगा। एक चीज और बता दीजिए, कुमारी सैलजा ऐसा क्यों कह रही हैं कि बीजेपी को हराना? क्या इंडियन नेशनल लोकदल को आप काउंट नहीं कर रहे? मैं इसलिए बीजेपी का नाम इसलिए ले रहे हैं, बीजेपी बार बार पूरा सरकारी अमला जमला वहां लगा रखा है, मुख्यमंत्री जी वहां जाके क्या बोलते हैं, मुझे बड़ौदा का विधायक समझे, बड़ौदा विधायक मुख्यमंत्री है तो करनाल का विधायक कौन है? और मुख्यमंत्री जी कहते हैं भी नाक का सवाल है। और दूसरी बात, उनके मंत्रियों की हिम्मत नहीं गांवों में घुस जाए, इतना भारी विरोध गांवों के अंदर है, सरकार का कोई प्रतिनिधि
वहां जा नहीं सकता। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बहुत काले बहुत धन। बहुत विरोध है, बहुत विरोध है। रमणिक आपके मान सामने साहब, टीवी रमणिक मान, दिखाया, ठीक तीन है, घंटे रमणिक तक मान जी के कृषि पास चलते हैं एक मंत्री बार, जरा जरा एक उसकी सेकंड गाड़ी रोक, का एक सेकंड किराया रोक लेता हूं। किया, बजरंग दास जी, 3 घंटे बजरंग दास जी, तक बहुत टाइम दिया मैंने चर्चा पुलिस में, चर्चा की के फौज शुरुआत के राज 8 मिनट साहब मैंने पे आपको घेरा दिए, लगाए बैठी रही, शुरुआत पूरे के 8 मिनट बजरंग जी मैंने गांव के आपको दिए हैं। लोगों ने अब एक बार रमणिक मान जी के 3 घंटे पास तक चलता हूँ। काले रमणिक झंडे मान साहब, दिखाकर उसको गांव के अंदर रुका गया, गठबंधन के सरकार उम्मीदवार, काले झंडे दिखाए, सैनिक को बजरंग जी एक एनपीआर सेकंड चुनाव प्लीज, आप काले बजरंग झंडे जी होल्ड कर दिखाए, लीजिए, बजरंग जी आप होल्ड पीएमएल कर किया, लीजिए, आप उसको बाकियों को काले बोल झंडे लेने दीजिए, दिखाया उसके बाद फिर मंत्री, लौटूंगा आपके पास, फिर आऊंगा। रमणिक मान साहब, अब सवाल ये है कि अजय चौटाला जी भी आ गए, योगेश्वर का समर्थन और एक गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर योगेश्वर को पूरा सपोर्ट जेजेपी और बीजेपी तो कर ही रही है, लेकिन जो बजरंग दास जी यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि इतना विरोध हो रहा है आप लोगों का, क्या और कैसी तैयारी आप लोगों की है कि अभी भी विरोध हो रहा है, जैसा बजरंग जी कह रहे हैं? चलिए साकेत भाई, मैं आई विल नॉट डिस्काउंटिंग ऑन दिस, इस विषय के ऊपर इनको देखिए दो बातें वाजे तौर पे समझिए। इनकी पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा जो है वो कहती है कि सब लोग आ जाइए, एक साथ हो जाइए। अब वो इंडिपेंडेंटों को नहीं कह रही, वो संबोधित अपनी पार्टी के साधारण कार्यकर्ताओं को कह रही है कि जो हुड्डा साहब के गुट के हैं, जो शैलजा गुट के हैं, जो पुराने अशोक तंवर जी के साथ जुड़े हुए घुसे हुए हैं और जो अन्य इनके लोग हैं, वो सब इकट्ठे हो जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ, यूपी का महागठबंधन बनाओ और दोबारा हारो। बेरा इनके पार्टी का जो कैंडिडेट आया उसके कारण है, उसके कारण है, उसका कारण ये है कि इनका कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट आया, कंसेंसस कैंडिडेट नहीं था, कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट है, इनका कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट आया। कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट के आने के बाद आप देखिए कि पार्टी की जो चीफ स्पोक्स पर्सन है तथागत, जैसा कि बजरंग दास जी हमेशा अच्छा समझते हैं, हमने आपको कहना इनसे जितनी बार पूछोगे थे, मैं चीफ स्पोक्स पर्सन हूं कांग्रेस पार्टी का, तो चीफ स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के कह रहे हैं कि जी ये बयान जो है शैलजा जी ने इस कारण से दिया और इनकी पार्टी की जो अध्यक्षता है उन्होंने किस मंशा से दिया और इनके हुड्डा जी की इसके अंदर सहमति थी अथवा नहीं थी, इस बात का किसी को ज्ञान नहीं है। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति के अंदर पार्टी है। आपने इनसे फिर सवाल पूछा कि इंटरनेशनल लोकल को जिनकी ये परंपरागत सीट होती थी आज से 3 चुनाव पहले, तो क्या उनको बिल्कुल डिस्काउंट कर दिया आपने, उनको बिल्कुल रूल आउट कर दिया है? देखिए साकेत, अगर हम दो बातों के ऊपर गौर करें तो कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन अभी कह रहे थे कि जी हम भारी बहुमत से ये चुनाव जीते, तो पिछली बार मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, वो मैं 45-40 सौ वोटों से आप जीते थे और हमारे जो पहलवान है वो 45-40 सौ वोटों से पीछे रह गए थे। उसी तरफ अगर आप देखिए तो जो जननायक जनता पार्टी है वो जब इंडिपेंडेंट लड़े थे तो करीबन 50% के आसपास, ठीक है, इन दोनों का मिला के हमारा भारतीय जनता पार्टी का और बीजेपी का मिलाने के बाद ये जो गणित है, जो आंकड़ा है, ठीक है, ये 50-60% वोट के ऊपर चला जाता है। रमणिक जी, योगेश्वर दत्त का स्टेटमेंट आज हम लोगों ने सुना, योगेश्वर दत्त ये कह रहे थे कि विकास की बात हो रही है और विकास को लेकर के इस बार मतदान होगा और बड़ौदा का विकास होना चाहिए, बड़ौदा का विकास होगा। मैं, सरकार ने एक ही डील लगाई, मैं रमणिक मान जी आपसे, ठीक है, बजरंग लेट के अंदर लेट में आज बजरंग जी मैं एक बार पूछ लूं, मैं मुझे बता पूछ दूं आपको, पूछ लूं आप जो बात बता रहे रमणिक जी, ठीक है, बजरंग जी, बजरंग जी वही वही पूछ रहा हूँ, मुझे पूछ लेने दीजिए, मैं भी कुछ काम कर लूं। रमणिक जी, सवाल ये है कि 6 साल तक अभी प्रदेश में आपकी सरकार, क्या इन 6 साल में बड़ौदा का विकास नहीं हुआ जो अभी भी विकास के नाम पर योगेश्वर को वोट, भारतीय जनता पार्टी को वोट मांगने की जरूरत पड़ रही है? 6 साल तक क्या हुआ? मैं आपको बड़ा दिलचस्प उत्तर देता हूँ जी, और मैं चाहूंगा कि बजरंग जी और संदीप जी ये पॉइंट जरा नोट कर लीजिएगा जो रमणिक मान जी अभी विकास की बात करने वाले हैं। हाँ रमणिक मान जी बोलिए। आप मेरा निवेदन है कि ना तो आप और ना चीफ स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के मुझे टोके, मेरा निवेदन, धन्यवाद। देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस वक्त केंद्र में और हरियाणा में सत्ता में आई, अभी हम केवल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं तो भारत में भी अनेकों विकास कार्यों की अपेक्षा थी, तो 70 साल या 65 साल कांग्रेस पार्टी ने कोई विकास नहीं किया था। विकास कार्यों की हर जगह हमेशा जरूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी ने देखिए, मैं आपको एक नारा दिलवाना चाहता हूँ यार, जो राहुल गांधी जी के पिताजी की मदर यानी कि राहुल की दादी ने और राहुल जी के पापा के नाना जी ने जो हमेशा कहा रोटी कपड़ा और मकान, 2019 के चुनाव से पहले राहुल जी ने दोबारा कहा रोटी कपड़ा और मकान, तो क्या आजादी से लेके अब तक मतलब 6 साल में नहीं हो पाया ना? नहीं, गलत कह रहे हैं आप, सुनिए, मैंने आपसे निवेदन किया था कि मुझे थोड़ा विस्तृत उत्तर देना पड़ेगा और आप थोड़ा संयम से उत्तर सुनिएगा।
बड़ौदा के अंदर अनेकों विकास कार्य हुए, चाहे स्कूल बने हो, कॉलेज बने हो, सड़कें पक्की करने का काम हो, पंचायत घरों को बनाने का काम हो, अनेकों रमणीक जी थोड़ा सा शॉर्ट में चलते हैं, एक 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 मुद्दे पर चलते हैं। मुझे ये बता दीजिए कि 6 साल में आपके कार्यकाल में कितने स्कूल बने, एक एक करके बताइए ना सर, कितने स्कूल बने, कितने स्कूल बने? आंकड़ा आंकड़ा नहीं है रमणीक मान जी, नहीं आंकड़ों पर ही तो बात करना चाह रहा था ना मैं, तो आंकड़ों पर ही। अब ऐसे सिर्फ और सिर्फ फला 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 हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं आती, उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं आती। मैं आपको सही जवाब देता हूँ। मैं एक बार जरा, ठीक है आपके पास फैक्ट्स नहीं है, मैं एक बार संदीप गोयल जी के पास चलता हूँ। संदीप जी, कुमारी सैलजा का यह स्टेटमेंट क्या कांग्रेस को कमजोर दिखाता है और भारतीय जनता पार्टी का विकास के नाम पर अभी भी वोट मांगना क्या भारतीय जनता पार्टी की भी एक कमी को उजागर करता है? साकेत जी, कुमारी सैलजा का जिस प्रकार से बयान है वो एक चीज तो बड़ा स्पष्ट तय करता है कि उनके उम्मीदवार के अंदर वो दमदारी दमबाजी नहीं है। शायद वो इसीलिए सभी वोट बैंक को इकट्ठा करने के गिड़गिड़ाहट उनके मुंह से जरूर निकली है कि आप इकट्ठे हो जाइए, भाजपा को हराइए। भाजपा को अगर हराने की नीयत कुमारी सैलजा और की होती तो वहाँ के जो पूर्व में विधायक थे श्री कृष्ण हुड्डा जी, वो 3 बार विधायक रहे, उनके पुत्र को उन्होंने टिकट दी, उन्होंने कहा कि दमदार चेहरों को टिकट भी नहीं दी, ये कांटा नहीं, पहले तो अपना कांटा निकालने में कामयाब हो गए, एक ऐसा कमजोर उम्मीदवार हल्के में दे दिया, अब ये चाहते हैं कि आपकी किरकिरी हल्के में हो चुकी है कि आपने एक बहुत कमजोर उम्मीदवार दिया, तो अब ये लोगों के आगे अपने केस सेविंग के तौर पर अपील कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की विकास के नाम की डिंगे आंकते हैं, बात करते हैं अब की बार विकास के नाम पर वोट मांगे जाए, 2009 में भाईचारा खराब करके प्रदेश का विनाश करके उन्होंने वोट मांगे, रोहतक सोनीपत के अंदर जाट आरक्षण के दौरान बहुत ज्यादा जातियां भाजपा की सरकार ने की, आज ये विकास की बात करते हैं जबकि शासन ने 6 साल ये सत्ता में हो गए इनको रहते हुए, बड़ौदा हल्के में एक ऐसी इंच नहीं लगा पाए जिसकी चमक चंडीगढ़ तक या फिर दिल्ली तक दिखाई दे, एक प्रकार से झूठी बयानबाजी करके कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, कोई लैंडमार्क कार्य बताए, दो कार्य चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किए, उस प्रकार के कार्य अगर भाजपा एक भी गिना दे तो मैं टीवी की डिबेट की तत्ता छोड़ के चला जाऊंगा। बात आती विकास की, बड़ौदा हल्के में चौधरी देवीलाल के द्वारा बनाई गई पार्टी रूम के द्वारा स्थापित जभी भी दल रहे 1973 से लेकर 2009 तक साकेत जी, चौधरी देवीलाल के परिवार का इस सीट पे दबदबा रहा, चौधरी देवीलाल का गढ़ रहा है, और कल अभय सिंह चौटाला जी अपने हलकों का बड़ौदा हल्के का दोबारा से 54 के 54 गांवों का दौरा करेंगे, फिर 23 संदीप गोयल जी ऐसा कहिए कि गढ़ था 54 गांवों का दौरा करके बड़ौदा हल्के के लोगों को अपने, अगर आपका ये गढ़ तो है नहीं, अब तो ये था क्योंकि कांग्रेस ने तो इसमें पिछले 3 बार से सेंध लगा दी, कांग्रेस तो पिछले 3 बार से सेंध लगा दी, और बीजेपी जेजेपी ये कोशिश कर रही है कि जो पिछले कुछ समय से कांग्रेस ने इसे अपना गढ़ बनाया है वहां पर सेंध मारी, बीजेपी जेजेपी की ये गठबंधन वाली सरकार कर दे। अब संदीप गोयल जी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, इनेलो के तर्कश में ऐसा कौन सा तीर है? आपका तो कैंडिडेट आपने फिर से उसी को उतारा जो जिसकी जमानत पिछली बार जब्त हो गई थी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जिसने पिछली बार खराब परफॉर्म किया वो इस बार भी खराब परफॉर्म करेगा, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा। राकेश जी, जहां तक बात है कैंडिडेट के उम्मीदवार की जमानत पे जब्त होना, तो हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिनकी जमानत पे जब्त हुई परंतु वो सत्ता के शिखर तक भी पहुंचे, और उम्मीदवार की बात है जोगेंद्र मलिक की, ये पिछली बार भी हमारा उम्मीदवार था और मेहनत पूरे 5 साल मेहनत करता रहा, अब भी जनता के बीच में है, और मेन जो स्ट्रेटेजी है जो चौधरी देवीलाल की जो गढ़ की बात करता हूं मैं, पिछली बार जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार आने से लगभग हमारे 31,000 वोट उधर चले गए, अब वो और भाजपा की तरफ तो जाएंगे नहीं, वो बात अपने उसी पार्टी में आएंगे जहां से वो निकल कर जनता को मिले, ठीक है, जनता के 50% वोट, ठीक है, और ये म्यूचुअल फैक्ट रमणीक मान जी रख रहे थे यहाँ पर कि जेजेपी और बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव में आप जोड़ करके देख लीजिए तो क्लियर मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा था। इस बात का
मैं आगे किसी बात पर आ रहा था कि रमणीक मान जी ने कहा कि जेजेपी के वो वोट आएंगे, जेजेपी को तो वो वोट तो उस बात के मिले थे कि भाजपा के खिलाफ के, भाजपा ने सोनीपत रोहतक में लगभग 40 युवाओं का खून से लथपथ कर बिल्कुल सही बात है हत्याएं कर दी, सरकारी गोलियों से उनको मार गिराया, और उस बात के ऊपर वोट मांगे भाजपा के खिलाफ। आज रमणीक मान जी उसको अपने भाजपा, ठीक है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक बात। संदीप जी मैं लौटता हूँ आपके पास, मैं लौटता हूँ आपके पास, एक बार मुझे बजरंग दास जी के पास चलना। बजरंग जी, कपूर नरवाल के हट जाने से क्या आप उनको अब हटा तो चुके हैं नामांकन उनका, क्या कांग्रेस के लिए वो प्रचार भी करेंगे क्या? देखो सबसे मोटा फायदा कांग्रेस को है, यू समझ लो कांग्रेस के वोट परसेंटेज आज से और ज्यादा बढ़ गए, चुनाव एक तरफा था ही, इसमें कोई दो राय। कपूर नरवाल के हटने से बिल्कुल हटने से, अगर कपूर अग्रवाल खड़े रहते तो वह हमें थोड़ा नुकसान था वोट का, इसमें कोई दो राय। उनको हटने से कांग्रेस को एक तरफा फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे मोटी बात क्या है, आज कांग्रेस बहुत मजबूती पे खड़ी है, 3 बार लगातार बड़ौदा चुनाव जीतना इसका प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी ने उस बड़ौदा के अंदर काम किया। मैं काम गिनाना चाहता हूं, बड़ौदा के अंदर 17 बिजली के सब स्टेशन 23 केवी के लगे, यहां तक कि रेलवे लाइन जींद सोनीपत बाई गुवाना होता है, ये बड़ौदा विधानसभा के अंदर से गई हुई है, यहां तक कि पानीपत रिवाड़ी नेशनल हाईवे वो भी पूरी रोड यहां से गई हुई है। 1 महीने के अंदर 15 दिन बजरंग जी टैल पर पानी पहुंचाने का काम मैंने आपसे ये पूछा था, कपूर नरवाल प्रचार करेंगे क्या आपके? कांग्रेस पार्टी सड़क डानी तक डानियों में के अंदर भी हमने बिजली की तारे और कपूर नरवाल दिखाने का काम किया। कपूर नरवाल चुनावी प्रचार में आपका मन साझा करेंगे क्या? मैं मुद्दा बता रहा हूँ, इंदू राज नरवाल के लिए प्रचार करेंगे क्या कपूर नरवाल? देखो ये प्रचार ही है, जब जो आदमी अपना नामकरण वापिस ले लिया इसका खुलना समर्थन हमें मिल गया, तो उन्होंने तो ये कहा था कपूर नरवाल ने ये कहा था कि हुड्डा मुझे चाहते थे लड़वाना, हुड्डा मुझे कांग्रेस की टिकट देना चाहते थे, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने बीच में कांटा लगा दिया। ऐसी कोई बात नहीं, उनका तो क्लियर स्टेटमेंट था साहब, उनका तो स्टेटमेंट आया था, हमने भी अपने चैनल पर चलाया है। बिल्कुल बिल्कुल स्टेटमेंट आया होगा, ये पार्टी हाईकमान का फैसला है, जो टिकट देती पार्टी हाईकमान देती है, स्टेट बॉडी के कमेटी होती है, कमेटी। अच्छा, नामांकन वापस लेने के लिए किसने मनाया उन्हें? समझे नहीं, वो तो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आया ही है। किसने मनाया? भूपेंद्र हुड्डा ने मनाया, कुमारी सैलजा ने मनाया, रणदीप सुरजेवाला ने मनाया, किसने मनाया? सब एक है, बहन कुमारी सैलजा के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, सैलजा जी हुड्डा जी सुरजावाले। अच्छा ठीक है, रमणीक मान साहब एक सवाल मुझे आपसे लेना है, एक सवाल मुझे आपसे लेना है। रमणीक मान जी, दुष्यंत कुमार गौतम राज्यसभा सांसद वो आए हुए थे, दुष्यंत कुमार गौतम का एक बयान मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको बढ़ावा दे रही है। हरियाणा में आकर के इस एक स्टेटमेंट का पॉलिटिकल मायने भी हम निकालते हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि अशोक तंवर जो कि पिछड़ा समाज से आते हैं उनके साथ कांग्रेस में जिस तरीके से हुआ, कुमारी सैलजा जिस तरीके से पिछड़े समाज से ताल्लुक रखती हैं और उनके साथ जिस तरीके से अनबन की खबरें सामने आ रही, क्या आपका इस तरीके का स्टेटमेंट और या इस तरीके की चीजें रखना क्या उस वोट बैंक की तरफ है, कांग्रेस के उस कमजोरी पर प्रहार है, क्या ऐसा है? देखिए मैं आपको बड़ी स्पष्टता से बताऊं, और जैसा कि साकेत आपने अपने पिछले बार में एक फिर से प्रश्न पूछा और आपने सभी से ये पूछा कि जो हमारे प्रत्याशी है ये विश्वगत विकास की बात करते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा पिछले जो हमारे लोग करते हैं 2019 के चुनाव में 2014 के चुनाव में अगर आप दोनों चुनावों को नजदीक से देखेंगे तो केवल विकास की बात भी सबका साथ सबका विकास की बात करी भारतीय जनता पार्टी, जातिवादिक बातों के अंदर और समाज को जाति में बांटने का नजरिया नहीं रखती, समाज को एक देखते हैं तो भारतीय है, और जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का
या जिस प्रकार से अभी आपने दो तीन बातें पूछी इनसे उसके ऊपर जो बात है, तो मैं एक दो दो तीन बातें संदीप जी का भी मेरे को उत्तर देना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि जी इस वक्त ये भारी मतों से जीते हैं, तो मैं एक थोड़ी सी बात बताता हूँ। 54 गांव में थे, आपके पास कुल 3145 वोट आए थे। अगर हम एक गांव को पकड़े ना, कई गांव में तो आपका खैर खाता ही नहीं खुला, पर अगर हम उसको डिवाइड करके देखें तो आपको एक गांव में 60 वोट मिले। तो आपने कहा कि आपके जो नेता है, जो पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे और आपके इकलौते विधायक है चौटाला साहब अभय सिंह जी, जितने गांव का दौरा कर रहे हैं, आप इसको ये बता दीजिए कि हर एक गांव से कितने कितने वोट आप ढूंढ लेंगे, जिस दिन पीसी को लेकर उस दिन बात कर लेंगे। दूसरी बात, अब विषय आया कपूर सिंह नरवाल का। कपूर सिंह नरवाल के बारे में बजरंगदास जी जो चीफ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कहा होगा ये बात सही है या नहीं, उन्होंने पता किया है। परंतु अगर आप अपने के जिसके जिसको आप कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में वो बैठे हैं, उन्होंने नामांकन कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अपना वापस लिया है, अगर आप ऑनलाइन ऑन एयर एक चैनल के ऊपर आप उस आदमी को झूठा साबित कर देते हैं, अगर आप कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं, तो जरा आप एक बार अंतर ध्यानों में झांक के देख लीजिए कि वास्तव में आपको समर्थन देंगे वो, या वास्तव में आपके आगे खड़े होंगे अभी, ये बात भी आप एक बार सोच लीजिए। ये भी सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है। और तीसरी और सबसे आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं चीफ स्पोक्सपर्सन कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके पूर्व में रहे विधायक जो कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनने इतना अच्छा काम किया और सत्ता, तो उनके परिवार को अवसर क्यों नहीं दिया आपने? उनके परिवार के किसी व्यक्ति को आपने टिकट क्यों नहीं दी? आप उनके परिवार को मारते हैं। अगर आपको अपनी पार्टी के अंदर अगर उनके परिवार में भी व्यक्ति ऐसा नजर नहीं आता, तो कहीं ना कहीं आपने जो पूर्व में रहे आपके विधायक है उनके साथ भी उनके देहांत के बाद विश्वास। ठीक है, ठीक है। संदीप गोयल जी का एक काउंटर है। संदीप गोयल जी का एक काउंटर लेते हैं, ज्यादा वक्त नहीं बचा। संदीप गोयल जी बोलिए। साकेत जी, स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं सुन नहीं पाया रमणीक मान जी बात। संदीप जी, रमणीक मान जी ये कह रहे हैं कि एक अभय चौटाला अकेले क्या कर लेंगे, कम शब्दों में यही है। मैंने कहा कि 54 गांव में उन्होंने दौरा किया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनके जो इकलौते विधायक है, वो 54 गांव का अगर दौरा पिछली बार नहीं किया था, तो आपको महज 58 वोट प्रति गांव प्राप्त हुए थे। आप ये बता दीजिए कि 58 से बढ़कर 60 हो जाएंगे, 62 हो जाएंगे प्रति गांव वोट। अभी आपके 3145 है, आपके बढ़कर 45 हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी 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 संदीप जी। मैं रमणीक मान जी को केवल इतना ही बता पाऊंगा कि शायद सिखिज्म में एक बात कही गई है, 1,25,000 से एक लड़ाता नाम गुरु गोविंद सिंह धरावा, जिसके हौसले बुलंद होते हैं वो अकेला भी बहुत होता है। इनको भूलना नहीं चाहिए कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कभी एक दो सीट होती थी, राज्य सत्ता के अंदर इस घमंड के साथ बैठे कि हम जिंदगी बर्बाद करेंगे, इस चीज को तो भूल जाएं। दूसरी बात, साकेत जी, बात आती है अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पर राजनीति करने की। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, महर्षि वाल्मीकि का मंदिर तोड़ना, वाल्मीकि समाज के साथ इन्होंने जुल्म ढाना, सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी ने किए तो अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुए हैं। इस मसले को हम आगे भी लेकर जाएंगे, लेकिन आज माफी के साथ आप सबको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है, माफी के साथ रोक रहा हूँ। पॉलिटिकल पंचायत में अब आगे हम बहस को लेकर नहीं जा पाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।